हेलो, टुडे वी विल सी द टॉपिक गोल क्वेश्चन मैट्रिक एंड द सेकंड टॉपिक इज मॉर्फोलॉजी. सो दीज टू क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम इन द एग्जामिनेशन. सो गोल क्वेश्चन मैट्रिक पैराडिगम दैट इज GQM. गोल क्वेश्चन मैट्रिक पैराडिगम. नाउ गोल क्वेश्चन मैट्रिक मीन्स वेन एवर यू डेवलप वन प्रोडक्ट, जब आप कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करते हो तो आपके प्रोडक्ट का कुछ गोल रहता है और वो गोल को अचीव करने के लिए we have to ask some questions to the developer or we have to ask the question to the customer and whatever answer we will get that gives you the quality. So that's why the question goal question metric is there. So many metrics program begin by measuring what is convenient or easy to measure. Now what happens many times, डेवलपर क्या करता है या जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाला बंदा रहता है वो क्या करता है कि जो ज़रूरत है उससे अच्छा उसके लिए जो कन्वीनियंट है वो मेजर करके आपका जो मैट्रिक्स है वो डिसाइड करता है. सो मोर फोकस इज़ ऑन व्हाट इज़ कन्वीनियंट एंड नॉट व्हाट इज़ नीडेड. हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो नीडेड है वही आपको डेवलप करना है, बट जनरली मेनी मैट्रिक्स प्रोग्राम बिगिन बाय मेजरिंग व्हाट इज़ कन्वीनियंट और इजी टू मेजर. जो मेजर करने के लिए इजी होता है और कन्वीनियंट रहता है उसके हिसाब से ही सब कुछ मैट्रिक डिज़ाइन किया जाता है. और ये जो इस तरीके से जो प्रोग्राम है वो फेल हो जाते हैं क्योंकि जो भी आप डेवलप करते हो वो कुछ काम का नहीं रहता या मेंटेनेंस फेज में जो रहता है वो उसका यूजफुलनेस नहीं रहता है क्योंकि आप जो करते हो चीज़ वो कन्वीनियंस के हिसाब से करते हो एंड नॉट व्हाट इज़ नीडेड एंड एट लास्ट यूअर कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई यूअर एंटायर एफर्ट्स गेट वेस्ट. सो GQM प्रोवाइड द अप्रोच अ फ्रेमवर्क इन्वॉल्विंग 3 स्टेप्स. सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन GQM? फर्स्ट स्टेप इज लिस्ट द मेजर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट और मेंटेनेंस प्रोजेक्ट. डिराइव फ्रॉम ईच गोल द क्वेश्चन दैट मस्ट बी आंसर टू डिटरमाइन इफ द गोल्स आर बीइंग मेड and decide what be measured in order to be able to answer the question adequately. So first of all GQM में आपको क्या करना है कि पहले आपको जो major goals है development के और maintenance के वो आपको enlist करने हैं. उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन आए डिज़ाइन करने हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपको गोल को अचीव करने के लिए. वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ पहले आपको आपके डेवलपमेंट के गोल डिसाइड करने हैं. नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन मैट्रिक. तो उसकी वजह से आपको क्वेश्चन आयर बनाने हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं कि जिसके आंसर आपको हेल्प करेंगे कि आपके गोल जो है वो अचीव कर पाएंगे हम या नहीं कर पाएंगे. और तीसरा जो है डिसाइड व्हाट मस्ट बी मेजर्ड इन ऑर्डर टू बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन एडिक्वेटली. सो अगर मुझे आंसर देने हैं जो क्वेश्चन हमने सेकंड स्टेप में डिज़ाइन किए हैं उसको अगर मुझे आंसर देने हैं तो वो आंसर देने के लिए कौन से मेजर्स मुझे करने पड़ेंगे, कौन से एक्टिविटीज़ या कौन से फंक्शंस मुझे लेने पड़ेंगे कि उसकी वजह से मैं डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूँ और उस वो आंसर्स के थ्रू मुझे मेरा जो मेजर गोल है वो अचीव कर सकते हैं. सो दैट आर द 3 different steps इन GQM. To decide if the standard is effective, you must ask several key questions. First is important to know who is using the standard so that you can compare the productivity of the coders who use the standard with the productivity of those who do not. अभी ये मुझे decide करना है कि जो standard है जो हम GQM है या जो भी आप use कर रहे हो वो effective है या नहीं. तो उसकी वजह से वो स्टैंडर्ड डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे. फर्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हु इज़ यूजिंग द स्टैंडर्ड. जो आपकी डेवलपमेंट टीम होगी उसमें कौन स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है और कौन स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा है और जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर क्या फ़र्क, यानी जो कंपैरिजन होगा कि स्टैंडर्ड फॉलो करने वाले जो कोडर्स हैं उनका इम्पैक्ट और स्टैंडर्ड न फॉलो करने वाले जो है उनका इम्पैक्ट, उनके इसमें डिफरेंस क्या है. उसके बाद एक बार आपके क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो गए कि आपको हर क्वेश्चन को एनालाइज करना है और डिटरमाइन व्हाट मस्ट बी मेजर्ड इन ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हु इज़ यूजिंग द स्टैंडर्ड इट इज़ नेसेसरी टू नो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कोडर्स इज़ यूजिंग द स्टैंडर्ड. ओके, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ कोडर्स यानी जो डेवलपर्स है वो कितने लोग आपका स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं लेकिन और कितने लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं. बट यहाँ पे और एक भी पैरामीटर आपको और कंसीडर करना पड़ेगा GQM में कि
इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव एन एक्सपर्ट एक्सपीरियंस प्रोफाइल ऑफ द कोडर्स एक्सप्लेनिंग हाउ लॉन्ग दे हैव वर्क विद द स्टैंडर्ड. सो यहाँ पे जितना भी एक्सपीरियंस स्टाफ रहेगा, एक्सपीरियंस कोड रहेगा, प्रोफाइल रहेगा, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस रहता है वो उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से वो स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं. द प्रोडक्टिविटी क्वेश्चन रिक्वायर्स अ डिफाइनिंग प्रोडक्टिविटी विच इज़ यूजअली सम मेजर ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाई सम मेजर ऑफ प्रोडक्ट साइज. प्रोडक्टिविटी क्वेश्चन रिक्वायर्स अ डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी विच इज़ यूजअली सम मेजर ऑफ एफर्ट्स टेकन बाई सम मेजर्स ऑफ प्रोडक्ट साइज. अगर आपको प्रोडक्टिविटी का कैलकुलेशन करना है कि कितनी प्रोडक्टिविटी है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, कितने एफर्ट्स प्रोडक्ट की साइज़ क्या है और कितने एफर्ट्स पर्टिकुलर डेवलपमेंट टीम ले रही है. सो दैट इज़ द प्रोडक्टिव मेजर्स. क्वालिटी में भी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एरर्स फाउंड इन द कोड प्लस एनी अदर क्वालिटी मेजर दैट यू वुड लाइक टू यूज. कितने नंबर ऑफ एरर्स है कोड में, उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो डिटरमाइन की जाएगी. नाउ हियर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ डिराइविंग मेट्रिक्स फ्रॉम गोल्स एंड क्वेश्चन. तो यहाँ पे कुछ गोल्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके हिसाब से मैट्रिक्स है. सो व्हाट इज़ अवर गोल? इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ द कोडिंग स्टैंडर्ड. जो कोडिंग स्टैंडर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसका कितना इफेक्ट है. सो उसके लिए क्वेश्चंस कौन से रहेंगे? ऑब्वियसली गोल क्वेश्चन मैट्रिक है तो आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे एंड वी आर गोइंग टू आंसर टू अचीव द गोल. सो व्हाट आर द क्वेश्चंस? अगर आपको कोडिंग का स्टैंडर्ड इफेक्टिवनेस ऑफ कोडिंग स्टैंडर्ड अगर डिटरमाइन करना है तो व्हाट मे बी द क्वेश्चंस? सो हुई इज़ यूजिंग स्टैंडर्ड, व्हाट इज़ द कोडर प्रोडक्टिविटी एंड व्हाट इज़ द कोड क्वालिटी. सो ये जो तीन क्वेश्चंस है ये पूछने के बाद आपको पता चलेगा कि जो कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं उसका इफेक्ट कितना होगा. नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट हु इज़ यूजिंग स्टैंडर्ड? ओके, देन वी हैव टू गिव द आंसर व्हाट इज़ द कोडर प्रोडक्टिविटी. Then we have to give the answer what is the code quality. So first question, who is using standard? तो उसके लिए जो अलग measures रहेंगे वो measures क्या रहेंगे या जो matrix है वो क्या रहेंगे? Proportion of coders using standards and using languages. कितने लोग standard follow कर रहे हैं coding के golden rules जो है उसके हिसाब से और कितने लोग standard languages use कर रहे हैं. Another नाउ नेक्स्ट हु इज़ यूजिंग स्टैंडर्ड, उसके लिए और कुछ मेट्रिक है तो वो एक्सपीरियंस ऑफ कोडर्स वो देखना पड़ेगा विथ स्टैंडर्ड्स विथ लैंग्वेज विथ एनवायरमेंट एट्सेट्रा. तो जो कोडर्स का एक्सपीरियंस है वो भी हमें काउंट करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कोडर प्रोडक्टिविटी, यानी कोडर कितना प्रोडक्टिव है, वो कितना आउटपुट हमें दे रहा है. उसके लिए जो मेजर्स रहेंगे वो रहेंगे कितना एक्सपीरियंस वो कोडर को है, जितना एक्सपीरियंस या जितने स्टैंडर्ड लैंग्वेज कोडर यूज़ कर रहा है उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी मिलेगी. उसके बाद कोडर की प्रोडक्टिविटी कोड की साइज़ भी डिटरमाइन कर सकता है, कितने लाइंस ऑफ कोड है, कितने फंक्शंस है ये डिटरमाइन कर सकता है, कितने एफर्ट्स वो ले रहा है वो भी आपकी प्रोडक्टिविटी डिसाइड करता है. एंड लास्ट क्वेश्चन इन व्हाट इज़ कोड क्वालिटी, कोड की क्वालिटी कितनी है. तो उसके लिए आपको दो चीज़ें लगेंगी, कोड का साइज़ दैट इज़ लाइन्स ऑफ कोड फंक्शन पॉइंट्स एट्सेट्रा एंड एरर्स, नंबर ऑफ एरर्स कितने हैं. तो ये जो अलग अलग क्वेश्चंस है और उसके मेट्रिक्स है उसके हिसाब से हम इवेल्युएट कर सकते हैं. नाउ यू हैव टू जनरेट ओनली दोज मेजर्स विच आर रिलेटेड टू द गोल. ओके, यू हैव टू ओनली सिलेक्ट दोज मेजर्स विच आर रिलेटेड टू गोल्स. देर आर डिफरेंट मेजर्स और देर आर डिफरेंट मेट्रिक्स इन द सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस, बट हमें वही मेजर्स लेने हैं जो हमें गोल को अचीव करने के लिए काम में आएंगे, वो गोल को नहीं लेना है जो हमें कुछ काम का नहीं है. नाउ हियर वन ऑफ द AT&T जो कंपनी है, सो वो AT&T कंपनी ने कुछ गोल क्वेश्चंस और मेट्रिक्स डिफाइन किए हुए हैं, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. सो देर आर डिफरेंट गोल्स, प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल, इम्प्रूव. तो ये उसके गोल्स है और वो गोल्स को अचीव करने के लिए यू हैव टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए अलग अलग मैट्रिक्स रहेंगे. फॉर एग्जांपल, गोल इज़ व्हाट? इट इज़ द प्लान. सो प्लान इज़ द गोल,
So to achieve the required plan, what are the questions? So how much does the inspection process cost? How much calendar times does the inspection process take? So for planning, you have to determine what is the process cost and what is the time required for process. And to answer these questions, the metrics are different. Metrics are average effort per KLOC, that is kilo lines of code, percentage of re-inspection, average effort per KLOC and total KLOC inspected. ये सब चीज़ें लगेंगी. अगर आपके ये मैट्रिक्स है तो आपको जो आंसर मिलेंगे क्वेश्चंस के, वो आपको प्लान को अचीव करने के लिए काम में आएंगे. नेक्स्ट गोल क्या है? मॉनिटर एंड कंट्रोल. मॉनिटर एंड कंट्रोल के लिए दो क्वेश्चंस है. व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द इंस्पेक्टेड सॉफ्टवेयर, टू व्हाट डिग्री डिड द स्टाफ कन्फर्म टू द प्रोसीजर एंड व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द इंस्पेक्शन प्रोसेस. तो ये क्वेश्चंस है, तीन क्वेश्चंस है मॉनिटर एंड कंट्रोल के लिए. और ये तीन क्वेश्चंस के मैट्रिक्स कौन से हैं, यानी अगर आपको व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द इंस्पेक्टेड सॉफ्टवेयर, अगर आपको इंस्पेक्टेड सॉफ्टवेयर की क्वालिटी देखनी है तो वो क्वालिटी देखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको लगेंगी. तो वो मैट्रिक्स है, वो मेजरमेंट्स है, एवरेज फॉल्ट डिटेक्टर पर केलोसी, एवरेज इंस्पेक्शन रेट एंड एवरेज प्रिपरेशन रेट. तो ये तीन चीज़ों के अगर आपको आंसर मिल गए तो आप क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्टेड सॉफ्टवेयर को कैलकुलेट कर सकते हो. एवरेज इंस्पेक्शन रेट, एवरेज प्रिपरेशन रेट, एवरेज लाइंस ऑफ कोड इंस्पेक्टेड एंड परसेंटेज ऑफ री इंस्पेक्शन. अगर ये चार क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, तो आपको डिग्री, टू व्हाट डिग्री डिड द स्टाफ कन्फर्म टू प्रोसीजर, इसका आंसर मिलेगा. सो टू मॉनिटर एंड कंट्रोल, ये जो प्लान है उसको अचीव करने के लिए तीन क्वेश्चंस है, और वो तीन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए ये मैट्रिक्स है. लास्ट गोल क्या है? How last goal is the improvement. How effective to the inspection process and what is the productivity of inspection process? So here you can say we are questioning about the inspection process. So almost in each and every step, inspection rate and preparation rate is common. Inspection rate and preparation rate is common. Then lines of code inspected is also common. So to improvement, we have to see the average inspection rate, preparation rate and lines of code कितने हैं और efforts वो कितना ले रहा है. तो ये चीज़ें देखने के बाद मुझे ये जो matrix है वो अगर मैं use करूँगी तो मुझे plan, monitor, control and improve, ये तीन goal मैं achieve कर सकती हूँ. So this is about GQM. Next topic is morphology. So morphology is nothing but the structure or architecture. So in this diagram we can see that there are different nodes, there are different arcs and the different depths are there and width is also there. Now morphology का meaning क्या होता है कि आपका जो product है या जो software है जब बनाने के लिए आता है तो वो software के modules में convert किए जाते हैं. एक ही module नहीं बनता है, that particular product has to be converted into different modules. So these are different modules. So Fenton suggests a number of simple morphology, that is shape matrix, that enables different program architecture to be compared using set of straightforward dimensions. Referring to the figure, following matrix can be defined. So what is the size of the matrix? So size matrix is what? It is n plus a. Now what is n? N means kitne nodes hai mere paas aur a means kitne arcs hai. To yahan pe kitne nodes hai? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. यहाँ पे 17 नोड है और आर्क कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. सो 17 plus 18, so that is the size. So n is what? N is the number of nodes and a is nothing but number of arcs. So ये जो architecture यहाँ पे दिखाया गया है वो आर्किटेक्चर के लिए साइज़ कितनी है? 17 plus 18 is equal to 35. वॉट इज़ द डेप्थ? नाउ दिस इज़ द ट्री स्ट्रक्चर. सो डेप्थ कितना है उसका? सो कितने नंबर ऑफ लेवल्स है यहाँ पे? दैट इज़ द डेप्थ. ओके, सो दैट इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू लीफ नोड. फॉर दिस आर्किटेक्चर देर आर फोर नोड्स, 1 2 3 4. सो हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? देर आर फोर लेयर्स, दैट मीन्स डेप्थ इज 4. Width is equal to maximum number of nodes at any level. एक particular level पे maximum कितने number of nodes है? एक first level पे एक है, फिर second level पे चार है,
थर्ड लेवल पे सिक्स है और फोर्थ लेवल पे भी सिक्स है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स कितने हैं इस डायग्राम में, तो इस उसका वैल्यू है सिक्स। तो विड्थ कितनी हुई, सिक्स हुई। और आर्क टू नोड रेशो कितना हुआ, यानी ए बाय एन आर्क टू नोड, दैट इज आर। सो आर्क टू नोड रेशो इज वॉट, आर्क अपॉन नंबर ऑफ नोड्स। सो हाउ मेनी आर्क्स आर देयर, 18 आर्क्स आर देयर एंड 17 आर दी नोड्स। सो इन दिस आर्किटेक्चर वॉट इज द आर्क टू नोड रेशो, इट इज 1.06। सो दीज आर दी, दिस इज द मॉर्फोलॉजी यू हैव टू, जो आप प्रोडक्ट को मॉड्यूलर में डिफरेंट मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो वो मॉड्यूल्स के कन्वर्ट करने के बाद कौन सी स्ट्रैटेजी में अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ द शेप। मॉर्फोलॉजी इज नथिंग बट शेप। तो ये डायग्राम जो दिखाई गई है उसके लिए जो शेप रहेगा, ये पर्टिकुलर शेप का आपकी ये डायग्राम है, और उसके लिए आप कौन कौन से मेजर्स है, तो उसके लिए आप साइज़ कैलकुलेट कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट की साइज़ कितनी है, डेप्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, और आर्क टू नोड रेशो कितना है उसके हिसाब से। अभी ये चीज़ें काम में क्यों आती है, सो ये चीज़ें काम में आती है आपको बिकॉज विच मेजर्स द कनेक्टिविटी डेंसिटी ऑफ द आर्किटेक्चर एंड मे प्रोवाइड अ सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ कपलिंग ऑफ द आर्किटेक्चर। नाउ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, दैट इज मॉर्फोलॉजी, इज रिलेटेड टू कपलिंग। यू हैव ऑलरेडी सीन द कंसेप्ट ऑफ कोहेजन एंड कपलिंग। सो दिस पर्टिकुलर मेजर इज यूजफुल फॉर डिटरमाइन द कपलिंग, कि कितने कितना जो मॉड्यूल्स है एक दूसरे से कितने कपल है, और जितना कपलिंग रेट आपका कम है उतना आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है। ओके, जितना कपलिंग कम है उतना प्रोडक्ट अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये जो डेंसिटी है ये डिटरमाइन करने के लिए आपको